हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। लास्ट वीडियो में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये पार्ट शुरू किया था हैलोजन डेरिवेटिव्स का। इसमें हमने देखा था जो कौन कौन सी मेथड है अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने की। तो सबसे पहली थी हम फ्रॉम अल्कोहल्स, तो वो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। तो फ्रॉम अल्कोहल्स में हमने बाय हैलोजन एसिड्स ये वाला पार्ट देख लिया था। आज हम बाय फॉस्फोरस हैलाइड और थायोनिल क्लोराइड से जब अल्कोहल रिएक्ट करके कैसे अल्किल हैलाइड प्रोड्यूस करता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब भी अल्कोहल के साथ किसी भी हैलोजन या फिर किसी भी ये तीनों में से किसी की भी रिएक्शन होती है तो क्या मेन चीज़ होती है जिससे अल्किल हैलाइड हमें मिलता है। तो आर बॉन्ड OH ये होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल में जब भी ये OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब भी रिप्लेस होता है बाय एक्स, एक्स यानी हैलोजन, हमारा हैलोजन जब भी OH को रिप्लेस करके अल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है तो रिजल्टिंग कंपाउंड हमें अल्किल हैलाइड मिलता है। हैलाइड या हैलाइड में क्या क्या आ जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जब भी इसके कंपाउंड जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड अल्किल हैलाइड मिलेगा। तो आज हम देखने वाले हैं बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके कैसे अल्किल हैलाइड प्रोड्यूस करता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल। तो फॉस्फोरस हैलाइड यानी PX3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस हैलाइड, यानी फॉस्फोरस के साथ हैलोजन ग्रुप जब भी मिलके कोई कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं फॉस्फोरस हैलाइड। हैलाइड में ब्रोमीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, तो ऐसे अलग अलग कंपाउंड होते हैं। ये देखो, फॉस्फोरस हैलाइड दो टाइप के होते हैं, एक ट्राई हैलाइड होता है और एक पेंटा हैलाइड होता है। तो ट्राई हैलाइड में कौन कौन से आ जाएंगे, PX3, एक्स की जगह कोई भी हैलोजन लगाओ तो आपको वो कंपाउंड मिलेगा फॉस्फोरस। अगर क्लोरीन अगर हमने लिया तो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, ब्रोमीन अगर लिया तो फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड, और आयोडीन अगर लिया तो फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। इस तरीके से हमें ट्राई हैलोजन ट्राई फॉस्फोरस हैलाइड जैसे मिलते हैं। अब हम देखेंगे PX5, जिसको पेंटा हैलाइड बोलते हैं, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। तो इसमें एक ही हम एक ही कंपाउंड के साथ हम रिएक्शन करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये जो है PBr5 और PI3 ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसके साथ हम रिएक्शन नहीं कर पाते। तो हम पेंटा हैलाइड में, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड में सिर्फ PCl5 ही पढ़ने वाले हैं। PBr5 और PI3 ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी हम वो देखते हैं। तो अल्कोहल हमने सबसे पहले लिया, अल्कोहल की रिएक्शन हम ट्राई फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ करवाएंगे। तो आर बॉन्ड OH यानी हमारा अल्कोहल हो गया और PX3 यानी फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड हो गया। तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेंगे थ्री अल्किल हैलाइड्स और H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड। तो अब हम इसे ओपन करके ये रिएक्शन देखते हैं, हमें थ्री अल्किल हैलाइड कैसे मिले और थ्री अल्कोहल हमने क्यों लिए। तो सबसे पहले हम थ्री अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये ले लिया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो अब हमारा जो PX3 है, जो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड है, इसको हम मैंने ओपन ओपन करके लिखा है। एक हमारे पास फॉस्फोरस हो गया, एक एक्स यहाँ हो गया, एक एक्स यहाँ हो गया, एक एक्स यहाँ हो गया, तो तीन हमारे पास अल्किल अल्कोहल है। तो एक जो एक्स है ये जो PX3 का, वो फर्स्ट वाले अल्कोहल में का OH रिप्लेस करेगा। दूसरा वाला जो एक्स है वो दूसरे वाले अल्कोहल का OH रिप्लेस करेगा। तीसरा वाला तीसरे अल्कोहल में का OH रिप्लेस करेगा। तो ये जब रिप्लेस करके ये हमारे तीन अल्किल हैलाइड्स बन गए। अब हमारे पास तीन OH यहाँ पे बच गए, तीन OH बचे और एक फॉस्फोरस बचा यहाँ वाला, और तीन अल्किल हैलाइड्स हमें मिल गए, जो कि यहाँ लिखा है मैंने 3R बॉन्ड X, थ्री अल्किल हैलाइड्स हमें मिल गए। अब क्या होगा, ये जो तीन OH है तो इसमें से ये तीन H हमारे पास हो गए और तीन O हमारे पास हो गया, तो H3 और एक P हमारे पास है, तो ये सब मिलके बनाते हैं H3PO4। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, तीन अल्कोहल हमें लगते हैं और तीन अल्किल हैलाइड हमारे प्रिपेयर होते हैं। अब देखो आगे क्या है फॉर PX5, यानी अब हम पेंटा हैलाइड वाला देखेंगे। हमने पहले फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से अल्किल हैलाइड कैसे प्रिपेयर हो सकता है वो देख लिया, अब हम फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड में एक ही एग्जांपल, एक ही कंपाउंड हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हाईली स्टेबल नहीं बोल सकते हैं, वो स्टेबल है, और PBr5 और PI3 जो है वो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और रही बात फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन तो खुद ही अपने आप में एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकता, वो हाईली अनस्टेबल है। तो हमारे पास बचा कौन सा है, PCl5 ही बचा है, तो हम अल्कोहल की रिएक्शन डायरेक्टली PCl5 के साथ करवाएंगे। ये जो है अल्कोहल जब भी PCl5 से रिएक्ट करता है तो हमें अल्किल
अल्किल हलाइड मिलता है, यानी अल्किल हलाइड या फिर अल्किल क्लोराइड मिलता है, RCl। तो हमारे पास 5 Cl है, तो 5 Cl को अरेंज हमें करना पड़ेगा। तो ये 5 Cl में से 1 Cl ये वाला OH रिप्लेस करके हमें अल्किल क्लोराइड देता है, और बाकी के जो 4 Cl बचे हैं वो ये जो H है, ये H के साथ 1 Cl जाके HCl हमें मिलता है, और बचे वाले 3 Cl जो है वो ये P, ये O और बचे वाले Cl मिलके बनाते हैं POCl3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, तो हमें मिलता है एक अल्किल हैलाइड HCl और POCl3। तो जनरली इस रिएक्शन में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड से हम अल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, और हमें जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलता है जब भी अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड रिएक्ट करते हैं, तो हमें अल्किल हैलाइड जो है रिजल्टिंग कंपाउंड मिलता है और हमारा अल्किल हैलाइड प्रिपेयर होता है। अब हम देखते हैं बाय थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड से अल्किल हैलाइड हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे थायोनिल क्लोराइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें रिजल्टिंग कंपाउंड अल्किल हैलाइड कैसे मिलता है, अब हम वो देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्कोहल टू गिव अल्किल क्लोराइड, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर हम इसकी जनरल रिएक्शन देखने वाले हैं, जनरल रिएक्शन कैसी हो जाएगी, अल्कोहल यानी कि आर बॉन्ड OH हो गया हमारा अल्कोहल। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड, हम थायोनिल क्लोराइड किसको बोलते हैं, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो अल्कोहल जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास 2 Cl है, तो सबसे पहले इसमें का जो 1 Cl है, 1 Cl ये OH को रिप्लेस करके हमें अल्किल क्लोराइड देगा। तो अल्किल क्लोराइड हमारे पास मिल गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, एक OH बचा और SO और 1 Cl बचा। तो 1 Cl इस एच के साथ जाके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, और एक ये SO और ये O मिलके बनाएंगे SO2। तो ये हमें दो गैसियस बाय प्रोडक्ट मिल गए, तो गैसियस बाय प्रोडक्ट के साथ हमें अल्किल क्लोराइड भी मिला। तो थायनिल क्लोराइड जनरली अल्किल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसमें सिर्फ SOCl2 हम थायनिल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, तो सिर्फ क्लोराइड वाला कंपाउंड हमें मिलेगा। तो जनरली ये जो मेथड है ये प्रेफर होती है अल्किल क्लोराइड बनाने के लिए। तो इस तरीके से जब भी अल्कोहल रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ, तो हमें अल्किल क्लोराइड और दो गैसियस बाय प्रोडक्ट यानी कि SO2 और HCl मिलते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथिल क्लोराइड। तो इथेनॉल यानी क्या हो गया, सबसे पहले हम वो देखते हैं। इथेनॉल जब भी लिखेंगे तो हमें याद रखना है कि जब कब लगता है, जब दो कार्बन हमारे पास होते हैं तब इथ ये प्रीफिक्स लगता है। हमने नॉमेनक्लेचर में ये पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके नॉमेनक्लेचर पढ़िए, उसके बिना आपको कंपाउंड के नेम नहीं आएंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जो है शेयर कीजिए। तो इसका एग्जाम्पल देखो, इथेनॉल कब रहेगा, जब इथ इथ जब भी प्रीफिक्स रहेगा तो सबसे पहले हमें दो कार्बन वाला कंपाउंड वो है वो लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या हो गया, हो जाएगा C2H5OH। तो C2H5OH हमारा कंपाउंड हमें मिल गया। फिर हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, इथिल क्लोराइड में। तो फिर से इथिल यानी दो कार्बन वाला कंपाउंड C2H5, ये इथिल हो गया, और क्लोराइड यानी Cl। तो C2H5Cl में हमें इथेनॉल को C2H5Cl में कन्वर्ट करना है। तो सबसे बेसिक हमें पता है कि अल्किल क्लोराइड अगर हमें प्रिपेयर करना है तो थायनिल क्लोराइड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो C2H5OH हमारा इथेनॉल है, अल्कोहल हो गया ये, और थायनिल क्लोराइड यानी SOCl2। तो जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा, इथिल क्लोराइड C2H5Cl, और उसका बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, SO2 और HCl। तो जैसे मैंने बताया कि ये SOCl2 यानी 1 Cl यहाँ हो गया, 1 Cl यहाँ हो गया, और ये SO, तो ये जो Cl है ये जाके जो ये OH है इसको रिप्लेस करके क्या बनाएगा, इथिल क्लोराइड बनाएगा। तो इथिल क्लोराइड हमारे पास बन गया। अब बचा 1 Cl और 1 SO। तो ये जो SO है और हमारे पास 1 Cl बचा, तो ये Cl और ये H जाके बनाएंगे HCl, और फिर हमारे पास एक O बचा और SO बचा, तो SO+O बनेगा SO2। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, C2H5OH का OH रिप्लेस होकर हमें इथिल क्लोराइड मिलता है। तो हमारा जो कन्वर्जन था वो पूरा हुआ, इथेनॉल से इथिल क्लोराइड मिल गया। सो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स अल्किल हैलाइड कैसे प्रिपेयर होते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोकार्बन्स यानी क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी बेसिक है, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन जिस भी कंपाउंड में रहेंगे उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, आपने इलेवेंथ इलेवेंथ और टेंथ में पढ़ा है कि
हाइड्रोकार्बन्स में तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये मेन टाइप्स है। इसमें अरेंज भी आते हैं, अरोमेटिक कंपाउंड्स भी आते हैं, लेकिन हमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स अल्किल हलाइड प्रिपेयर करना है, इसलिए हम ये तीन ही देखने वाले हैं। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीन हाइड्रोकार्बन्स है। तो सबसे पहले हम अल्केन के अंदर हेलोजन ऐड करके कैसे प्रिपेयर होता है अल्किल हलाइड, वो देखते हैं। तो जब भी अल्केन में हेलोजन का एडिशन होता है तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलता है, अल्किल हलाइड मिलता है। तो अल्केन में जब भी हेलोजन ऐड करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हेलोजनेशन। तो अगर हेलोजन की जगह क्लोरीन अगर मैंने लिया तो वो हो जाएगा क्लोरीनेशन, अगर ब्रोमीन लिया तो ब्रोमीनेशन, अगर आयोडीन लिया तो आयोडीनेशन, ऐसे इस टाइप से हेलोजनेशन उसको बोलते हैं। जब भी किसी अल्केन के अंदर हेलोजन ऐड होता है तो उसको हेलोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो इसमें ऐसा बताया है कि नॉट ये जो मेथड है प्रिपरेशन और ऑफ अल्किल हैलाइड, ये सूटेबल नहीं है। क्यों, हम आगे देखते हैं क्यों ये सूटेबल नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल है मीथेन। तो मीथेन में हम जब भी क्लोरीन ऐड करेंगे तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, क्लोरीनेशन। मैंने यहाँ पे बताया कि जब भी अल्केन में कोई हेलोजन हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हेलोजिनेशन। तो मैंने यहाँ क्लोरीन लिया तो उस मीथेन में मैंने क्लोरीन ऐड किया तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, क्लोरीनेशन। तो मीथेन में जब क्लोरीन ऐड किया गया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलेगा, मिथिल क्लोराइड। ये जो एक एच इसमें का रिप्लेस होके क्लोरीन वहाँ जाएगा तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा मिथिल क्लोराइड। और जो यहाँ से एक एच रिप्लेस हुआ उसके साथ एक क्लोरीन यहाँ का मिलके बनाएगा HCl। तो ये इतनी एक फर्स्ट स्टेप हो गई। तो ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, ये आगे जब तक इसके पास एच है, ये जब तक एच इसके ख़त्म नहीं होते तब तक वो नेक्स्ट क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करते जाता है। तो देखो CH3Cl ये हमारा मिथाइल क्लोराइड फिर से अब किसी एक क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करेगा, फिर यहाँ पे हमें रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा CH2Cl2। तो यहाँ का एक और Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक एच रिप्लेस होके एक क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा। इस तरीके से जब तक एच पूरे रिप्लेस नहीं हो जाते क्लोरीन से तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो CH2Cl2 हमें मिला, फिर CH2Cl2 दूसरे और एक क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करेगा, फिर हमें मिलेगा CHCl3। तो यहाँ का एक और एच रिप्लेस होके यहाँ पे HCl बनाएगा, फिर बचा हमारे पास CHCl3। तो ये CHCl3 फिर से क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देगा, CCl4। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जब तक इसके पास के ये जो मिथाइल है, ये मिथेन के अंदर के जब तक एच ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वो रिएक्शन चलती रहती है, वो ख़त्म ही नहीं होती है। इसलिए ये जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड ये सूटेबल नहीं है, इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कीन। तो अल्कीन से कैसे हम अल्किल हलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे। तो अल्कीन यानी क्या होता है, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं अल्कीन। तो अल्कीन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक अल्कीन और अनसिमेट्रिक अल्कीन। तो सिमेट्रिक अल्कीन यानी जब भी डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इसके ये साइड पे राइट साइड पे अगर CH2 सेम ग्रुप है और लेफ्ट साइड पे भी सेम ग्रुप है तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक। यानी यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है तो ये दोनों सेम हो गए तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक अल्कीन। अनसिमेट्रिक यानी डबल बॉन्ड के बाजू में दो अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ क्या हो गया CH3CH ये साइड से प्रेजेंट है और इधर से मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के ये राइट साइड पे अलग ग्रुप है और लेफ्ट साइड पे अलग ग्रुप है। तो दो टाइप के अल्किन हमारे पास हमें मिल गए, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। तो अब हम देखने वाले हैं कौन सी प्रोसेस से अल्किन जो है वो अल्किल हलाइड हमें दे सकता है। तो फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्किन गिव्स अल्किल हलाइड। हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ HX। HX यानी जो भी हाइड्रोजन हलाइड्स होते हैं, जो भी एसिड्स है हाइड्रोजन हलाइड वाले, जैसे कि HCl, HBr, HI, ये क्या हो गए हाइड्रोजन हलाइड्स। तो बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्किन, तो ये अल्किन का जब भी हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो हमें मिलेगा अल्किल हलाइड। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फॉर सिमेट्रिक अल्किल, जो सिमेट्रिक अल्किन है उससे हम अल्किल हलाइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हमारा अल्किन है सी डबल बॉन्ड सी, यानी हमारा क्या हो गया अल्किन हो गया। तो अल्किन में जब भी हम उसका हाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे यानी HX हम जब भी उसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो ये जो H है सबसे पहले तो ये एक बॉन्ड इसका टूट जाता है और ये क्या हो जाएगा फिर C बॉन्ड C। तो यहाँ के लिए और यहाँ के लिए दो वैलेंसी खाली हो जाएगी, ये कार्बन के पास एक बॉन्ड खाली रहेगा, ये कार्बन के पास एक बॉन्ड खाली रहेगा।
तो ये एक एच यहाँ जाके अटैच हो जाता है और दूसरा एक्स जो है ये यहाँ जाके अटैच हो जाता है, तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो जाती है और हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलता है, अल्किल हैलाइड। तो वही यहाँ पे हुआ, ये जो एच है ये जाके यहाँ अटैच हुआ और ये जो एक्स है ये वाले कार्बन पे अटैच हुआ। तो देखो यहाँ का डबल बॉन्ड टूट गया और फिर हमें क्या मिला, सी बॉन्ड एक्स और ये सी बॉन्ड एच। तो इस तरीके से ये इसकी जनरल रिएक्शन हो गई अल्किन में। अल्किन का जब भी हाइड्रो हैलोजनेशन करेंगे तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा अल्किल हैलाइड। तो इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे अल्किन से अल्किल हैलाइड प्रिपेयर होता है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया इथिलीन का। इथिलीन क्यों है, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन होने के कारण कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, इथ। तो इथिलीन मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया इथिलीन। उसमें जब मैंने HCl ऐड किया यानी कि हाइड्रो हैलोजनेशन किया, HX ऐड किया, HX यानी यहाँ पे H हमारा हाइड्रोजन है और X यानी Cl हमने X की जगह लिया है, तो ये क्या हो गया HCl। तो हाइड्रो हैलोजनेशन जब भी इथिल का होगा, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये H जो है ये एक कार्बन के पास जाएगा और दूसरा X जो है दूसरे कार्बन के पास जाएगा। तो इसमें का जो H है वो H ये कार्बन के पास जाएगा और ये जो Cl है वो जाएगा ये कार्बन के पास। तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलेगा, CH2। सबसे पहले ये इसका डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ आ गया Cl, इसकी ये कार्बन की वैलेंसी हो गई सेटिस्फाइड। तो फिर ये दूसरा कार्बन है इसका, इसके पास एक बॉन्ड खाली है क्योंकि ये बॉन्ड टूटने के बाद एक बॉन्ड खाली है। तो ये जो H है ये जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये आ गया इस कार्बन के पास H, तो इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। तो क्या हमें रिजल्टिंग कंपाउंड मिला, CH2 Cl CH2 H। तो इसका और इसको क्या बोल सकते हैं, CH2 CH3 Cl। तो हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिला हमें, इथिल क्लोराइड। तो इथिलीन का जब हाइड्रो हैलोजनेशन करेंगे हम तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड क्या मिलेगा, इथिल क्लोराइड। इथिल क्लोराइड कैसे हुआ, दो कार्बन हमारे पास है तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, इथिल। इथिल क्यों, क्योंकि दो कार्बन है और पांच हाइड्रोजन है। तो हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था कि जब भी दो कार्बन रहे तो हम इथ जो है प्रीफिक्स लेंगे, और Cl है तो Cl क्या, Cl है तो हैलाइड हमारे पास कौन सा हो गया, क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इथिल क्लोराइड। अगर मैं इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करूँ तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा, क्लोरो क्लोरोइथेन। हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर देखा था, तो हमने पढ़ा था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कहते टाइम हेलो हेलो अल्केन, इस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो हमारे पास अल्केन कौन सा है, इथ है, दो कार्बन है इसलिए इथेन हो जाएगा, और हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, तो क्लोरो इथेन इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो एक बात और याद रखना कि जब भी आपको ये अगर आपको बोला है कि प्रोपील क्लोराइड बनाओ या फिर ब्यूटील क्लोराइड बनाओ, तो आपको अल्कीन कौन सा लेना पड़ेगा, अगर प्रोपील प्रोपील हलाइड बोला है तो आपको प्रोपीलीन लेना पड़ेगा, ब्यूटील हलाइड बोला है तो ब्यूटीलीन लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको रिस्पेक्टिव जो है अल्कीन्स लेने पड़ेंगे, फिर ही आपका प्रोडक्ट जो है वो जो आपको क्वेश्चन दिया है उस तरीके से फॉर्म होगा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन का। तो हमने एक सिमेट्रिक अल्कीन ले लिया जिसका नाम है ब्यूटीन। ब्यूटीन क्यों है, क्योंकि चार कार्बन यहाँ पे है तो प्रीफिक्स आ जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन जो है अल्कीन का, इन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड का नाम ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में जब भी HCl ऐड किए करेंगे तो उसको उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रो हैलोजनेशन बोलेंगे, क्योंकि HX हम उसमें ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ब्यूटीन जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन कैसी होगी, एक बार हम वो देखते हैं। तो ये जो ब्यूटीन है इसको मैंने ओपन करके लिख लिया ये CH3, और ये जो CH है इसको मैंने ओपन कर लिया C और H, ये वाले भी CH को ओपन करके लिख लिया, C यहाँ लिख दिया, H ऊपर लिख दिया, और ये CH3 एज इट इज़। तो सबसे पहले जब भी ये रिएक्शन होगी तो सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड मैंने लिखा, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इसके पास दो वैलेंसी खाली है, दो वैलेंसी क्यों खाली है, क्योंकि यहाँ का एक डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दो वैलेंसी, दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, या एम्प्टी स्पेस हो जाएगी दो। तो HCl जब रिएक्ट करेगा इसके साथ तो ये जो H है ये यहाँ जाके अटैच होगा ये कार्बन के साथ, ये हो गया H। फिर बचा Cl, तो ये कार्बन के पास एक वैलेंसी खाली है तो ये Cl जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे लग जाएगा Cl। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, कौन सी, हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे ये Cl आ गया HCl वाला, और फिर ये CH के पास ये वाला H आ गया, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH Cl
CH, ये जो है CH3 हो जाए, CH2 हो जाएगा और ये CH3 एज इट इज। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्लोराइड कैसे हो जाएगा ये, ये देखो CH3 CHCl, ये हो गया CH2 और ये CH3। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट यानी ब्यूटील वो हो गया, और ये क्लोरीन यहाँ अटैच है इसलिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ब्यूटील क्लोराइड। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझने के लिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, तो ये जो ये प्रिपेरेशन है वो डायरेक्टली आपको नहीं पूछे जाते, इस तरीके से उसके एग्जाम्पल्स आते हैं। उस एग्जाम्पल को आपको आइडेंटिफाई करके कि ये कौन से टाइप का प्रिपेरेशन है, फिर आपको उसका प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा आप रिएक्शंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि रिएक्शंस के थ्रू ही जो क्वेश्चन है वो आते हैं। आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, जेसर ट्यूटर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी देख पाए जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।